हेलो फ्रेंड्स, निर्मल स्वराज किचन में आपका फिर से स्वागत है। एक न्यू रेसिपी के साथ हम फिर से आपके साथ हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे। आइए फिर समोसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है। हमने मैदा को आटा छलनी की हेल्प से पहले ही छान लिया था। अगर हमारे पास मेजरमेंट कप नहीं है तब हम अपनी रेगुलर स्पून से 12 स्पून मैदा एक बाउल में डाल लेंगे। बाउल में मैदा डालने के बाद हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। हमने इसमें 25 ml ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप इसमें ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब देसी घी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तब हमारा समोसा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसको अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हम अपने आटे का डो सर्दियों में लगा रहे हैं तब हम इसके लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर गर्मियों में हम इसका डो लगा रहे हैं तब हम इसके लिए सिंपल पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने ऑयल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा आटा दिखने में कुछ इस प्रकार का लग रहा है। अब हम पानी की मदद से इसका एक टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। इसका डो रोटी के डो से थोड़ा सा हार्ड लगता है। इस डो को लगाने के लिए करीब 30 ml पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब गर्मियां चल रही हैं तो इसलिए हमने अपना डो नॉर्मल पानी से ही लगाया है। हमारा समोसे के आटा का डो लगकर तैयार हो गया है। हमने इसको नॉर्मल रोटी के आटे से थोड़ा टाइट ही लगाया है। हम इसको 1 घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी समोसे में भरने के लिए स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। आइए अपनी स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अपनी फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। जीरा और धनिए को ब्राउन होने तक भूनने के बाद हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। हमने अपने आलू को कद्दूकस नहीं किया है, बल्कि इसको हाथ की हेल्प से ही मोटा मोटा फोड़ लिया है, क्योंकि अगर हम बारीक कर देते हैं आलू को तो हमारे समोसे में ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। आलू को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने बचे हुए मसाले डाल देंगे। हमने इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हम सब मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ये 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। इसको हम इसमें अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 किशमिश हमने इसमें डाली है, 2 छोटा चम्मच धनिया जो हमने चॉप करके लिया है, 1 छोटा कटोरी मटर जिसको हमने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ है। हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 50 ग्राम पनीर जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अगर आलू अपने थोड़े मोटे लग रहे हैं हम अपनी स्पून की हेल्प से इन आलूओं को थोड़ा फोड़ लेंगे। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम अपनी स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। घंटा हो गया है, हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है और आटा लगकर तैयार हो गया है। हमने अपने आटे की लोई बनाई है। हमने अपनी आटे की लोई को नॉर्मल रोटी की लोई से मोटा बनाया है। हमें इसको गोल नहीं बेलना है बल्कि लंबाई में बेलना है। हमें इसकी मोटाई रोटी जितनी ही मोटी रखनी है। ये सब जगह से एक सार होना चाहिए, मोटा या पतला
नहीं होना चाहिए। हमने इसको लंबा बेल लिया है, अब हम इसको बीच में से चाकू की मदद से इसके दो पीस कर लेंगे। इसको इस प्रकार आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, इसकी मोटाई लगभग हमारी रोटी के आटे जितनी ही मोटी है। अब हम इसको इस प्रकार से अपने हाथ पर कोन बनाएंगे। अगर आप हाथ पर कोन नहीं बना पा रहे हैं तब हम चकले पर रखकर इसका कोन बनाएंगे और इस पर पानी लगाकर इसके दोनों सिरों को आपस में चिपका देंगे। दोनों सिरों को आपस में चिपकाने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल जरूर करना है, वरना हमारा समोसा कढ़ाई में डालने के बाद खुल जाएगा। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग को डालेंगे। स्टफिंग को डालने के बाद हम इसके किनारों पर भी पानी लगाएंगे। पानी लगाकर इसके दोनों सिरों को आपस में चिपका देंगे। आपस में चिपकाने के बाद हमारा समोसा कढ़ाई में डालने के बाद नहीं फटेगा। इसी प्रकार से हम अपने सब समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। मैदा में हमारे करीब 5 समोसे मीडियम साइज़ के बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने 4 समोसे सिंपल तैयार किए हैं, अब हम आपको एक समोसा स्ट्रिप समोसा बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने रोटी की हम इसको पतला इसलिए बेलते हैं क्योंकि हमने इसको डबल करना होता है। और डबल करने के बाद हमारा लोई हमारी रोटी अगर मोटी होगी तो हमारा समोसा बीच में से कच्चा रह जाएगा। अब हम इसको डबल करके देख लेंगे और इसके आधे सिरे पर पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे। हमने स्ट्रिप को लास्ट सिरे तक नहीं काटना है बल्कि बीच में से ही काटना है। अब हम इसके सिरों पर पानी लगाकर इसको डबल कर देंगे और कोन की शेप बनाकर सेम उसी प्रकार से अपना ये समोसा बनाकर भी तैयार कर लेंगे और इसमें स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग भरने के बाद इसके किनारों को भी हम पानी की मदद से उसी प्रकार से बनाकर फोल्ड करेंगे। हमारे 5 समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। समोसे बनाने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। ऐसा करने से इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी और हमारे समोसे के ऊपर जो छोटी छोटी बिंदियाँ आ जाती हैं वो समोसे के ऊपर बिंदियाँ नहीं आएंगी। गैस पर अपनी कढ़ाई को रख दिया है और ऑयल को गर्म कर लिया है। हमने अपने ऑयल को बहुत हल्का गर्म करना है। हमने एक छोटी सी आटे की लोई डालकर इसमें देखी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने अपने ऑयल को कितना गर्म किया है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने सभी समोसे को डाल देंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अपने सभी समोसे को लो फ्लेम पर ही सेकना है। समोसे को सेकने में करीब 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसको पोने की मदद से पलट देंगे और डार्क ब्राउन होने तक सेकेंगे। 10 से हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारे समोसे सिककर बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।